नमस्कार, आरपीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। रुक करते हैं खास खबर की ओर। दोस्तों, जयशंकर की, मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल यानी 22 मार्च 2023 से नौ संवत्सर का शुभारंभ हो रहा है। नौ संवत्सर 2080 का शुभारंभ कल 22 मार्च 2023 से हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया वर्ष जिस दिन से प्रारंभ होता है, उसी दिन जो दिन होता है वही राजा होता है। इसलिए इस वर्ष का राजा बुध होगा। और वर्ष के शुभारंभ के दिन सभी हिंदू धर्म के अनुयायियों को क्या करना चाहिए, यदि आप नहीं जानते हैं तो अवश्य जान लीजिए। नव वर्ष के शुभारंभ यानी कल नवरात्र के प्रथम दिन आप सभी लोग एक लाल रंग का झंडा अपनी अपनी छतों पर लगाएं, अपने अपने मकानों पर लगाएं, जो काफी शुभ होता है। पूरे वर्ष आपके घर में मंगल होगा यदि लाल रंग का ध्वजा अपने छत के ऊपर, अपने मकान के ऊपर लगाते हैं तो पूरे वर्ष जो है आपके घर में मंगल कार्य होते हैं और शुभ होता है। और एक दूसरे को जैसे अंग्रेजी शन में बधाइयां देते हैं नौ वर्ष की, उस तरह से इस नौ वर्ष यानी नौ संवत्सर शुरू होने पर एक दूसरे को बधाइयां दे सकते हैं। ये हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये वर्ष शुभ होने वाला है। इस दिन यदि एक काम किया जाए तो हो सकता है वर्ष भर आपको जाड़ा देकर बुखार आना या शीत ज्वर जैसी दिक्कतों से भी मुक्ति हो सकती है। इसके लिए आपको करना यह होगा छोटा सा कार्य। जैसा कि सभी जानते हैं, ये बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, पुरानी पत्तियां झड़कर नई पत्तियां उगाती हैं। इसी तरह नीम के पेड़ में भी पुरानी पत्तियां झड़ चुकी हैं और नई कोमल सुंदर लाल पत्तियां निकल आई हैं। इन पत्तियों को 21 संख्या में तोड़ लीजिए। लाल रंग की जो पत्तियां कोमल होती हैं नीम की, इन्हें 21 पत्तियां तोड़ लीजिए। इन पत्तियों को तोड़कर 21 काली मिर्च मिला करके इनको पीस लीजिए सिल पर। सिल पर पीसने के बाद 21 गोलियां बना लीजिए इनकी, काली मिर्च के बराबर की 21 गोलियां बना लीजिए। इन गोलियों को जो 5 वर्ष से कम हैं उनको 5 गोली और जो 5 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के व्यक्ति हैं उन्हें 7 गोली और जो 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के बीच के लोग हैं उन्हें 12 गोली, 15 से 22 वर्ष के बीच के जो व्यक्ति हैं उन्हें 18 गोली और 22 वर्ष से अधिक जो उम्र के लोग हैं उन्हें 21 गोलियां खानी चाहिए। लगातार 21 दिन 21 गोली लगातार 21 दिन खाने से यानी कल नवरात्र के प्रथम दिन से 21 दिन लगातार 21 गोलियां खाने से उन्हें पूरे वर्ष शीत ज्वर या ज्वर नहीं आएगा। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि नीम की पत्ती 21 कोमल लेकर के उन्हें सिल पर 21 काली मिर्च के साथ पीस करके 21 गोलियां बनाएं। उन गोलियों को 21 दिन लगातार खाने से पूरे वर्ष भर यानी संवत 2080 के पूरे समय भर उन्हें शीत ज्वर नहीं आएगा, ऐसा शास्त्रों का मानना है। इसलिए आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नीम जैसी आपके घर में, आपके आंगन में, आपके घर के दरवाजे पर पेड़ होने से इसका फायदा सीधा आप उठा सकते हैं। इन पत्तियों को तोड़कर अपने घर में आज सुबह
सुबह लेकर आए और उनको 21 काली मिर्च मिलाकर सिल पर पीसे अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक, और उनको पानी मिला करके गीला करें और उन्हें 21 गोलियां बनाकर सुखा लें और 21 दिन सिर्फ 21 गोली खाएं रोज 21 दिन तक लगातार, तो पूरे वर्ष भर सर्दी की बीमारियों से आप पूरी तरह से मुक्त रहेंगे। सर्दी या जुखाम बुखार जैसी दिक्कतें जिन्हें होती हैं, इनसे अधिक मात्रा में इनसे लाभ मिल सकता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। और अपने घर पर ध्वजा लगाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इससे ये पता चलेगा हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ हो गया है। यदि आप सबके घरों पर ध्वजा लगा होगा तो सबको पता चल जाएगा कि हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ हो चुका है। दोस्तों, आपको फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे साथ लगातार RPS समाचार पर बने रहें, देश दुनिया की नई और ताजी खबरें जानने के लिए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।